नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्प गंधा घन वटी के बारे में बताऊंगा। आज की एक ही वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। सर्प गंधा घन वटी एक आयुर्वेदिक टैबलेट होती है जिसको वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर इत्यादि सभी आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, यह 10 ग्राम की पैकिंग में आपको 259 रुपए की MRP में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन साइट पर आपको यह प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इसको घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको ऑनलाइन खरीदने का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं इसके मुख्य गुणधर्म की, यानी कि मुख्य रूप से यह किस लिए उपयोगी होता है। तो यह मस्तिष्क विकार को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का मस्तिष्क से संबंधित समस्या या मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके फायदे जानने से पहले इसके घटक जान लेते हैं, यानी कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें पड़ी हुई होती हैं, बाद में इसके फायदे के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सर्पगंधा, अजवाइन, जटामांसी, भांग और पीपला मूल पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, इन सभी जड़ी बूटियों से मिलकर ही इस दवा का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे की, यानी कि अगर आप इस दवा का उपयोग करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का मानसिक चिंता की शिकायत या फिर मानसिक तनाव की शिकायत है तब आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। मानसिक चिंता यानी कि अगर आपको कुछ भी जरा सी भी अगर समस्या होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हैं, छोटी से छोटी समस्या को भी आप झेल नहीं पाते हैं, मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, बहुत सारे विचार आने लगते हैं, तो ऐसी समस्या में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मानसिक चिंता को दूर करने में, मानसिक तनाव को दूर करने में यह दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके साथ अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है, रात रात भर आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, रात के 1, 2, 3 बज जाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ समस्त प्रकार के मस्तिष्क विकार जैसे अपस्माद हो गया, उन्माद हो गया, हिस्टीरिया हो गया, इन सभी प्रकार के विकारों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मिर्गी की समस्या में भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क के हर रोग में यह उपयोगी होता है। इसके साथ अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है, आपका शुगर लेवल हाई रहता है, तब आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या फिर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तब भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको दिल में घबराहट होने की शिकायत होती हो, बेचैनी की शिकायत होती हो, डर लगता हो, आपको थकावट महसूस करते हो, तब भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। यह दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। साथ ही साथ अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, आपको भूलने की समस्या हो रही है, तब भी आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, आपके मस्तिष्क को रिलैक्स देकर आपकी चिंता को दूर करने में यह दवा प्रयोग की जाती है। अब हम बात करते हैं इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए। आपको एक दिन में 2 टैबलेट का सेवन करना चाहिए, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम। आप ताजे पानी के साथ या फिर दूध के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग 10 से 15 दिन तक करिएगा, आपको अगर आराम मिले तो आप 3 महीने तक रेगुलर रूप से इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सर्प गंधा घन वटी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कराने की पूरी कोशिश की। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो जिसका जवाब मैं वीडियो में ना दे पाया हूँ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी वो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक का भी बटन आप दबा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बाय।